वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। हेलो गाइस, और हम आ गए हैं नागेश्वर मंदिर। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग ये भी है, तो हम यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए। अगर आपको पता हो तो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे पूरे भारत में अलग अलग जगह पे हैं। तो अगर आपने कुछ व्लॉग पहले देखा होगा तो मैं रामेश्वर बोल महाकालेश्वर गई थी, तो वहाँ पे एक ज्योतिर्लिंग था और ये एक और है। मैं आपको मंदिर दिखाती हूँ। मैं पहले अंदर जा रही हूँ। सबने अभी दर्शन करे हैं और दर्शन करके अभी बाहर आए हैं, और ये महादेव वाला टीका भी लगा दिया। तो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। बम बोले। भी मंदिर से दर्शन करने के बाद कितना ब्यूटीफुल सनसेट देखने को मिला यहाँ पे। हर हर महादेव। ये जो आप ये देख रहे हो ना, ये कबूतर का घर है। इसके अंदर सारे कबूतर इसके अंदर रहते हैं। हमने कर लिए दर्शन, जो फोटो वोटो भी खींचे वो भी करिए, दर्शन भी हो गई। और अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश मंदिर में दर्शन करने के लिए। उस मंदिर का भी टाइमिंग होती है, तो वहाँ पे जाके अब दर्शन करेंगे। तो ऐसा ना हो कि मंदिर ही बंद हो जाए, तो अभी जाते हैं वहाँ पे दर्शन कर लेते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। वैसे अंदर फोन लगाना तो अलाउड है नहीं, तो वो बाहर ही सबमिट हो जाता है, तो अंदर का तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी, बट बाहर से जितना मैं दिखा पाऊँ उतना दिखा दूँगी कि कैसा है। तो हम यहाँ पे आए थे द्वारकाधीश में दर्शन करने के लिए, बट अभी मंदिर बंद कर दिया है अभी के लिए। आज कुछ है शायद ग्रहण लग गया, इसलिए अभी के लिए मंदिर बंद है, बट हमने बाहर से देख लिया मंदिर। तो बाकी अब हम कल सुबह आएंगे यहाँ पे मंदिर में दर्शन करने के लिए। सुबह यहाँ मंगल आरती होती है 6:30 बजे, तो हम वो प्लान करा हमने कि हम सुबह आएंगे। तो अभी तो बस वापस होटल रूम जाएंगे, और कोई अभी प्लान नहीं है, थक गए सब, तो अभी चलेंगे होटल। उसके बाद कल सुबह जब वापस आएंगे तब आपको दिखाती हूँ मंदिर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हम जो अपने लास्ट क्लिप देखी थी, हम घर आके, घर बोल रही हूँ, हम होटल के रूम में आके सो गए थे खाना वाना खा के। और हम आज सुबह उठे 3 बजे, क्योंकि कल मंदिर बंद हो गया था ना, कल वो था चंद्र ग्रहण, तो इस वजह से उन्होंने मंदिर बंद कर दिया था। तो आज सुबह 6 बजे मतलब मंदिर खुलता है, तो हम 4 बजे यहाँ से चले गए थे। सबसे पहले हम भी थे जब मंदिर पहुँचे थे, तो गेट भी नहीं खुला था मंदिर का, वो 6 बजे खुलता है। तो हमने बाहर ही बिछाई वहाँ पे एक चादर और सब वहीं पर बैठ गए। फिर जितने लोग थे बाकी के, फिर वो बाद में आए हमारे पीछे पीछे बैठे, सबसे पहले हम पहुंच गए। और इतने अच्छे से दर्शन हुआ। अंदर का मैं कुछ ऐसे दिखा नहीं पाई, क्योंकि फ़ोन वगैरह कुछ ले जाना अलाउड नहीं होता, तो हम होटल के रूम में ही छोड़ के गए थे फ़ोन। और जस्ट अभी हम वापस आए हैं दर्शन करके, तो मैंने कहा यार आप लोगों को सबको अपडेट दे देती हूँ। तो अगर आप में से कोई भी दर्शन करने के लिए आए, तो वहाँ पे आपको पहले बता देती हूँ कि फ़ोन अलाउड नहीं है, कोई लगेज अलाउड नहीं है, तो कोई चाबी ये सब चीज़ें, कैमरा कुछ भी अलाउड नहीं है, तो अपने आप रख के आना। और बाहर वैसे जो प्रसाद देते हैं ना, जो स्टॉल्स लगे होते हैं, आप उनके पास भी रखवा सकते हो अपना सामान। अगर आप वहाँ से कुछ लोगे तो अपने जो भी जूते चप्पल वहाँ पे रख सकते हो, कैमरा बैग सब कुछ वो अपने पास रखवा देते हैं। तो अब हम बस तैयार हो रहे हैं यहाँ से चेकआउट करना है,
और फिर हमें जाना है अब दूसरी जगह। हम तो इतनी सुबह पहुंचे थे तब जाके हमें दर्शन थोड़े मतलब जल्दी करने को मिल गए जैसे ही वहाँ के गेट खुले, नहीं तो जब हम बाहर आते तो हमने देखा इतनी लंबी लाइन लग रही थी दूर तक, पता नहीं कितने घंटों में तो उनका नंबर आएगा दर्शन करने का। और जैसे ही गेट मतलब वो खोल ही रहे थे ना, तो जैसे उन्होंने स्लाइडर वाला गेट था तो वो उसको खोल रहा, और इतनी सी जगह थी उसमें से मैं ऐसे निकल के भागी सीधा, क्योंकि इतनी भगदड़ हो रही थी ना वहाँ पे। मतलब हम सबसे पहले आ गए थे वहाँ पे, बट फिर भी लोग होते ना कि मतलब आगे आगे आके लग जाते हैं, और कोई लाइन वगैरह कुछ नहीं है वहाँ पे कि कोई लाइन बना के आ रहा है, सुबह के टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। अभी तो लाइन लग रखी थी तो सुबह तो मतलब, और कल कोई बता रहा था कि कल ऐसा हुआ था कि कोई बेहोश भी हो गया था वहाँ पे क्योंकि इतनी भीड़ थी और ऐसे भगदड़ मचती है। तो जैसे ही खुला फिर मैं तो सबसे पहले भाग के लाइन में जाके लग गई। मैंने कहा यार ठीक है बाकी का तो आता रहेंगे, और हम तो इतनी पहले गए थे और फिर हमारी बस ऑलरेडी बुक है नेक्स्ट जगह जाने के लिए, तो हमें उसके अकॉर्डिंग भी मैनेज करना था। और इतना अच्छा लगा ना वहाँ पे जाके कि मतलब सुबह वहाँ पे जाके बैठे अंधेरे में, तो पहली बार ऐसा होगा कि मैंने सुबह 4 बजे उठ के मतलब ऐसे पूजा करना, मतलब वहाँ पे बैठ के सब भजन कर रहे और ऐसे हरे कृष्णा हो रहा था, और बड़ा मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था यार, पहली बार ऐसा एक्सपीरियंस किया और बहुत मजा आया वहाँ पे। तो यार अब हम कर रहे हैं यहाँ से चेकआउट, कितनी मस्त लाइट पड़ रही है वहाँ पे। अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं और अभी हमें जाना है रबाड़ी गेट, वहाँ से ही सारी जो भी प्राइवेट बसेज होती है वहीं से चलती है। और जैसे आप बस के थ्रू कहीं से भी अगर आओगे तो रबाड़ी गेट पे आपको उतरना है, और ये यहाँ पे सबसे ज्यादा नियरेस्ट है अगर आपको द्वारकाधीश में दर्शन करने हैं तो। यार ये है रबाड़ी गेट, ये बस एक गेट है और इसका नाम रबाड़ी गेट है। जितनी भी प्राइवेट बसेस होती है वो सारी यहीं से आती है यहीं पे, और यहीं से बन के चलती हैं वो। यार हम पहुँच गए हैं रबाड़ी गेट, अब हम यहाँ पे वेट करें अपनी बस का। और वैसे तो भूख भी बहुत तेज लगी सुबह से उठ गए 3 बजे से, और तब से कुछ खाया भी नहीं है, बाकी सब तो फिर भी चाय बिस्किट खा भी लेते हैं, और मैं चाय पीती भी नहीं तो इसलिए मैं भी भूखी बैठी हूँ, बाकी सब तो फिर भी खा भी लिया। तो अब थोड़ी देर रह गई 10-15 मिनट में आ जाएगा बस वाला, और मैं आपको ये बता देती हूँ कि नेक्स्ट हम जा रहे हैं सोमनाथ। तो ये वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और सोमनाथ के लिए अगले ब्लॉग में शुरुआत करेंगे तब दिखाते हैं आपको। तो अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना, और मिलते हैं नए व्लॉग में, और तब देखेंगे सोमनाथ, सोमनाथ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलो गाइस बाय बाय।